जय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का दार्शनिक आधार की पहली यूनिट। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक सवाल आपको यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगा, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दो वीडियो में ये पूरी यूनिट कम्प्लीट हो जाएगी और मैं आपको इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि वो दो वीडियो में से कन्फर्म एक सवाल आपको ज़रूर मिलेगा। वो सवाल क्या, पहले सवाल देख लीजिए कौन कौन सा हम देखेंगे। पहला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज़ फिलॉसफी, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, डिस्क्राइब इन डिटेल्स। ये सवाल अगर आप देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 सालों के सवाल में देखेंगे तो कम से कम 3 से 4 बार ये सवाल आया है। दूसरा सवाल कौन सा है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। दूसरा सवाल ये है दोस्तों, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फिलॉसफी, नॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ फिलॉसफी, स्पेकुलेटिव और एनालिटिक फंक्शन ऑफ फिलॉसफी। ये दो सवाल है, कंप्लीट आपका यूनिट इन्हीं दो सवालों को पढ़ना है। फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट, फिलॉसफी की मीनिंग डेफिनेशंस और ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, जो 6 मोस्टली आपके फिलॉसफी के ब्रांचेस यहाँ पे दिए गए हैं, उन 6 फिलॉसफी के ब्रांचेस को पढ़ना है। वो 6 फिलॉसफी के ब्रांचेस कौन से हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एस्थेटिक्स, एथिक्स और लॉजिक्स। ये 6 आपके जो ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी है, मेन ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, वो पढ़ना है। और 3 जो फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी हैं, नॉर्मेटिव, स्पेकुलेटिव और एनालिटिक फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी, ये आपको पढ़ना है। यही आपका कंप्लीट एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसी का सिलेबस है, फर्स्ट यूनिट का, राइट। तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे, ऐसी बात नहीं है कि मैं इंग्लिश की बात करूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम देखते हुए चलेंगे। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, फर्स्ट यूनिट आपको यहाँ पर कम्प्लीट होगा, एक सवाल आपको कन्फर्म यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले देखते हैं कि फिलॉसफी क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसकी डिफिनीशंस क्या है और ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए, फिलॉसफी दोस्तों आप सबको पता है, आपने बीएड में भी पढ़ा होगा, जिसे हम हिंदी में दर्शन कहते हैं। दर्शन का मतलब आपकी सोच, आपका नज़रिया, आपका देखने का तरीका, आप थोड़ा सा जो चीज़ें दिखाई देती हैं उसके बियॉन्ड भी सोचते हैं, उसके परे भी जब आप सोचते हैं तो फिलॉसफी होता है। फिलॉसफी दर्शन आपने पढ़ा होगा कि दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी ग्रीक के 2 वर्ड से मिला है, फिलो मतलब सोफिया, फिलो का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम, द लव ऑफ विजडम, हिंदी में ज्ञान के प्रति प्रेम, ठीक है। इस तरीके से आपने फिलॉसफी का अर्थ पढ़ा होगा। सेम चीज़, द वर्ड फिलॉसफी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड, याद रखिएगा ग्रीक वर्ड फिलो एंड सोफिया, फिलो मीन्स लव एंड द सोफिया मीन्स द विजडम, दस द फिलॉसफी इज कॉल्ड लव फॉर विजडम, लव फॉर विजडम। डिफरेंट फिलोसोफर एंड द स्कॉलर हैव गिवन द डिफरेंट व्यू अबाउट द टर्म फिलॉसफी, लोगों ने अलग अलग तरीके से इसे परिभाषित किया है, वो भी हम देखेंगे। सेम चीज़ को यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है दोस्तों कि दर्शन शास्त्र में फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक फिलोसोफिया से हुई है, फिलो का अर्थ होता है प्रेम, सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, इस प्रकार दर्शन शास्त्र को ज्ञान के प्रति प्रेम कहा जाता है, द लव ऑफ विजडम, राइट, द लव फॉर विजडम, द लव ऑफ विजडम, ज्ञान के प्रति प्रेम। इसे आसान शब्दों में आप समझने को, सुन दर्शन आपने अक्सर सुना कि बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए, दर्शन का मतलब आप दिखाई देना, दिखाई देने का मतलब आपका नज़रिया, आपका सोच, आपका प्रकट होना, आपकी फिलॉसफी क्या है, आपका दर्शन क्या है, बस यूँ समझ लीजिए। जैसे आपने अक्सर सुना होगा महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन, स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा दर्शन, जॉन डेवी का शिक्षा दर्शन, ये क्यों कहा गया है, मतलब उनका दर्शन क्या था, उनका नज़रिया क्या था, उनकी सोच क्या थी, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा क्या है, उनकी सोच के अनुसार शिक्षा क्या है, समझ में आ गया। तो सबके अपनी अपनी फिलॉसफी होती है, सब सबका अपना दर्शन होता है, सब लोग ज्ञान के प्रति अपने अलग प्रेम रखते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को क्या कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा को क्या कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षा को क्या कहा, तो ये सारी चीज़ें। जैसे मैं एक आपको नाम यहाँ पर दे दूँ कि एक फिलॉसफर है जिनको पेस्टलॉजी कहते हैं, उन्होंने कहा था कि जब आप स्कूल में पढ़ी हुई सारी चीज़ें भूल जाएँ उसके बाद जो याद रहे वो शिक्षा है, समझ, देखा उन्होंने क्या कहा, स्कूल में पढ़ाई जाने वाली सारी चीज़ें जब भूल जाएं उसके बाद जो याद रहे वो शिक्षा है। तो वो स्कूली शिक्षा के बड़ा विरोधी थे, पेस्टलॉजी की बात कर रहा हूँ, खैर ये मैं आपको बस समझाने की बात करूँ कि कैसे कैसे लोगों का नज़र, और उन्होंने तर्क दिया, सिद्ध भी किया, ठीक है। तो फिलॉसफी का मतलब दोस्तों आपकी दर्शन, आपकी सोच। चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि दर्शन एक सार्वभौमिक विज्ञान के रूप में हर चीज़ से संबंधित है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी कहते हैं कि दर्शन वास्तविकता की प्रकृति की एक तार्किक जांच है, वास्तविकता की प्रकृति की तार्किक जांच है, मतलब क्या सत्य है, क्या सही है, लॉजिकल आप इसको जांच करें, आप अपनी सोच, जैसे ज्ञान क्या है,
विद्या क्या है, शिक्षा क्या है, धर्म क्या है, इसकी लॉजिकल जांच करें तो ये फिलॉसफी होती है। पिस्टे कहते हैं कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, द साइंस ऑफ नॉलेज पिस्टन कहते हैं। बैटफिल्ड रसेल कहते हैं कि दर्शन साथ अन्य सभी की तरह मुख्य रूप से ज्ञान पर आधारित है, ज्ञान पर निर्भर है और आलोचना है, ज्ञान लक्षित है और आलोचना है। तो इस तरीके से इन्होंने परिभाषा दिया, इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए शब्दों को नहीं जानना है, आप एमएड की स्टूडेंट तो आपको शब्दों को नहीं समझना है, आपको बना के लिखना है, बस आप समझने की कोशिश करिए ये शब्द क्या है। कुछ नहीं भाई, आप तो सारी चीज़ें खुद से लिख सकते हैं, ठीक है, बट आपको समझना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको हासिल करना है कि हम कैसे लिखेंगे, हमें कहाँ से शब्द मिल जाएंगे। और ये जो पूरी डेफिनेशन है दोस्तों, वो आसानी से आपको गूगल पे तो मिल ही जाएगी, नहीं तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन है, उस ग्रुप से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इंग्लिश में सेम चीज़ें लिखी गई है, हार्वर्ड ने कहा था फिलॉसफी इज कंसर्न विद एवरीथिंग एज अ यूनिवर्सल साइंस। डॉक्टर एस राथ है फिलॉसफी इज द लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, वास्तविकता का तार्किक जांच है, वास्तविकता की प्रकृति में तार्किक जांच है। अकॉर्डिंग टू फिस्टे फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विज्ञान है। ये बर्टेंड रसल कहते हैं कि फिलॉसफी लाइक ऑल अदर स्टडी, फिलॉसफी अन्य विषयों की तरह है, एम्स प्राइमरली एट द नॉलेज, जिसका प्राइमरली एम क्या होता है, ज्ञान होता है, प्राइमरली एक जिसमें कहता है ज्ञान पे करता है। तो ये कुछ आसान से आपके पास डेफिनेशन है। कैंट कहते हैं फिलॉसफी इज द साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशंस। अरिस्टोटल जिन्हें अरस्तु कहते हैं, वो कहते हैं कि फिलॉसफी इज द साइंस विच इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ बींग एज इट इज इन इटसेल्फ। जैसे अरस्तु कहते हैं, इसको हिंदी में और बढ़िया से समझ में आएगा, अरस्तु क्या कहते हैं भाई, अरस्तु कहते हैं दर्शन वह विज्ञान है जो अस्तित्व की प्रकृति की जांच करता है जैसा कि वह स्वयं में है। इस प्रकार आप कंप्लीट देखेंगे दर्शन को, आप कह सकते हैं दर्शन ज्ञान का प्रेम है और वास्तविक व्यवहार में ज्ञान की खोज का अध्ययन है। मतलब दर्शन क्या है भाई, ज्ञान के प्रति प्रेम है और वास्तविक व्यवहार में ज्ञान की खोज का अध्ययन है। ज्ञान की खोज करना है, ज्ञान को समझना है, ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करना, यही सब क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। देखिए अभी तक आपने बस इतना समझा कि दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं, ये दो ग्रीक वर्ड से फिलो और सोफिया से बना है। फिलो का मतलब होता है प्रेम, सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। इंग्लिश में करें तो फिलो का मतलब लव और सोफिया का मतलब विजडम, द लव फॉर विजडम, ज्ञान के प्रति प्रेम। ठीक है, उसके बाद जो परिभाषाएं हैं हमने वहाँ पे यहाँ पे देख लिया। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, द ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी। देखो फिलॉसफी खुद में एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम एमएड के स्टूडेंट हैं तो हमें एजुकेशन फिलॉसफी से संबंधित पढ़ना पड़ेगा। तो हम सारे ब्रांचेस के, बहुत सारे ब्रांचेस हैं, छह जो मुख्य ब्रांचेस हैं फिलॉसफी के उसको हम देखेंगे, जहाँ की एमएड में पूछा जाता है, और एमएड में पूछे तो आपको इतना ही लिखना है, और जो नेट के या जेआरएफ के जो सवाल आते हैं वो इन्हीं टॉपिक से अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो छह फिलॉसफी के ब्रांचेस हैं उसको हम देख लेते हैं। पहला है दोस्तों मेटाफिजिक्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेटाफिजिक्स को कहते हैं तत्वमीमांसा, यस तत्वमीमांसा। एपिस्टीमोलॉजी आगे हिंदी में लिखा होगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ज्ञान मीमांसा। एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी को कहते हैं हम मूल्य मीमांसा। एस्थेटिक्स, एथिक्स, लॉजिक, लॉजिक तो आपको पता ही है लॉजिक। एथिक्स को कहते हैं नैतिक शास्त्र या नैतिक मीमांसा कह सकते हैं। एस्थेटिक को सौंदर्य मीमांसा या सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। आगे इसको हमने हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो ये है आपका छह ब्रांचेस जिसको आपको पढ़ना है और अक्सर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल आपसे ऐसे पूछ देगा कि फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट बताइए और उनके ब्रांचेस को एक्सप्लेन करिए, या फिर दो ऐसे भी पूछ देगा कि मेटाफिजिक्स, एपिस्टीमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे सवाल पूछते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना होता है। आइए देखते हैं इन तीनों के, इन छों के बारे में। अब यहाँ पे मैंने लिखा है मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स में मैंने अंदर लिखा है दोस्तों व्हाट इज रियल, इसको देखेंगे, लिखा है व्हाट इज रियल, वास्तविकता क्या है, मतलब सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, बस यही मेटाफिजिक्स है, ठीक है। मेटाफिजिक्स यही है दोस्तों, मेटाफिजिक्स का मतलब यही होता है कि वास्तविकता की खोज करना, सत्यता की खोज करना, ठीक है। द वर्ड मेटाफिजिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स मेटा विच मीन्स बियॉन्ड आर आफ्टर, बियॉन्ड, ठीक है। फिजिक्स का मतलब आपको पता है दोस्तों, फिजिक्स मतलब प्रकृति, ठीक है, बियॉन्ड प्रकृति, प्राकृतिक से परे, ठीक है। तो मेटाफिजिक्स का मतलब होता है प्रकृति के बाहर, प्रकृति के परे क्या वास्तविकता है। अभी आइए, मेटाफिजिक्स मेक अ नेसेसरी कनेक्शन विद द साइंस, साइंस इज ऑल अबाउट द नेचर, मेटाफिजिक्स ब्यूल्ड ऑन द स्टडी ऑफ नेचर। मेटाफिजिक्स क्या कहता है, प्रकृति का अध्ययन करता है कि इसके विप सत्य क्या है, अभी आपको मिलेगा दोस्तों। द टास्क ऑफ द मेटाफिजिक्स इज डिटरमाइन द मीनिंग एंड द कोहेरेंस ऑफ नेचर, कोहेरेंस वास्तविकता, सत्यता
और अर्थ क्या है प्रकृति की, इन चीज़ों की जांच करना, इन चीज़ों की अध्ययन करना मेटाफिजिक्स के अंतर्गत आता है। हिंदी में आप बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, तत्वमीमांसा को अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स कहते हैं, जो दो ग्रीक वर्ड मेटा और फिजिक्स से बना है। मेटा का अर्थ होता है परे, फिजिक्स का अर्थ होता है, फिजिक्स मतलब प्रकृति अर्थात प्राकृतिक से परे, प्राकृतिक से विपरीत, प्राकृतिक के बियॉन्ड, प्राकृतिक से परे, ठीक है। प्राकृतिक से परे अर्थात प्रकृति से परे क्या है, अब यहाँ पे देख लीजिए। इन मेटाफिजिक्स गॉड, ईश्वर, भाई ईश्वर तो प्राकृतिक से परे है, प्रकृति को ईश्वर ने बनाया ना, गॉड तो प्राकृतिक से परे है। जैसे मान लीजिए प्रकृति बदलती रहती है, गॉड तो भाई यूनिवर्सल है, सबके लिए है, हमारे जैसे प्रकृति कोई चीज़ें हैं किसी के लिए फायदेमंद, गॉड तो भाई बियॉन्ड प्रकृति, समझ में आ रही बात। सोल आत्मा, भाई आत्मा है, प्रकृति का आप नज़र भी आता है, सोल आप देख नहीं पाते हैं। एंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड जनरली डिस्कस्ड, मतलब आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ये सारी चीज़ें मेटाफिजिक्स के अंदर डिस्कस की जाती हैं। द वर्क ऑफ मेटाफिजिक्स इज ऑलवेज टू डिस्कवर द रियल एसेंस, रियल एसेंस को वास्तविकता की जांच करना, वास्तविकता का डिस्कवर, खोज करना मेटाफिजिक्स के अंतर्गत आता है। अंडर दिस एन अटेम्प्ट इज मेड टू नो द रियलिटी ऑफ गॉड, सोल, नेचर, मैन, क्रिएशन, बर्थ एंड डेथ। तो इसमें क्या भाई, एन अटेम्प्ट इज मेड टू नो द रियलिटी, मेटाफिजिक्स के अंदर क्या होता है कि रियलिटी जानना होता है किसकी, ईश्वर की, आत्मा की, प्रकृति की, मनुष्य की, क्रिएशन की, जन्म की, डेथ की, इन सब की रियलिटी जानना होता है, ठीक है, इसी को मेटाफिजिक्स कहते हैं। तत्व मीमांसा में साधारणतः ईश्वर, आत्मा और जगत की चर्चा होती है, ईश्वर, आत्मा और जगत, संसार की चर्चा होती है। तत्व मीमांसा का कार्य सदैव वास्तविकता की खोज करना है, इसके अंतर्गत ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, मनुष्य, सृष्टि, जन्म और मरण दोनों आदि का वास्तविकता का जानने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। आदि अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, सबकी अपनी अपनी मेटाफिजिक्स होती है। आइडियलिज्म की मेटाफिजिक्स अलग है, आदर्शवाद की मेटाफिजिक्स अलग है, तत्वमीमांसा अलग है, बौद्धिज्म की अलग है, आइडियलिज्म के बाद रियलिज्म की अलग है, नेचुरलिज्म, सबकी अपनी अपनी। तो सब ने क्या माना उस चीज़ को हम मानेंगे। जैसे आदर्शवाद मानता है कि ईश्वर है, यथार्थ तो नहीं मानता, तो आदर्शवाद मानता है कि संसार की रचना ईश्वर ने की है, यथार्थवाद नहीं मानता। तो सबकी अपनी अपनी मेटाफिजिक्स, तो मेटाफिजिक्स एक ब्रांच है, एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम ये अध्ययन करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि निर्माण कैसे हुआ, ईश्वर है कि नहीं है, मौत है कि नहीं है, सत्य क्या है, वास्तविकता क्या, तो एक ब्रांच है, ठीक है, समझ में आ गई। चलिए, तो आसान से समझने की यह है कि मेटाफिजिक्स के बारे में क्या है, व्हाट इज़ रियल, वास्तविकता की जांच करना दोस्तों, और मेटाफिजिक्स के अंदर ही हम जानने की कोशिश करते हैं आत्मा, परमात्मा, इन सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ मत रुकिए, मेटाफिजिक्स को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैंने इसलिए बताया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी केवल मेटाफिजिक्स ही पूछ देगा तो आप कैसे इसको रिप्लाई करेंगे, कैसे आप इसको आंसर करेंगे, कभी कभी आपसे तत्वमीमांसा ही पूछे तो आप इसको कैसे लिखेंगे। चलिए, तत्वमीमांसा के अंतर्गत आप फर्दर ब्रांचेस कह लीजिए, या फिर इसके टाइप्स कह लीजिए, या फिर इसके अंतर्गत के स्कोप कह लीजिए, मतलब तत्वमीमांसा का चाहिए क्षेत्र कहिए, चाहे इसकी शाखाएँ कहिए, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है दोस्तों कॉस्मोलॉजी और ऑन्टोनोलॉजी, जिसकी हम सृष्टि शास्त्र या फिर सत्ता शास्त्र कहते हैं, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा थियोलॉजी और मेटाफिजिक्स ऑफ सोल, तो ये इसके फर्दर ब्रांचेस हम मान लेंगे। तत्वमीमांसा के अंतर्गत निम्न विषयों का अध्ययन किया जाता है, निम्न विषयों का अध्ययन किया, किसका, पहला ईश्वर संबंधित तत्वज्ञान, ईश्वर संबंधित तत्वज्ञान। मेटाफिजिक्स के अंदर इन चार विषयों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला है ईश्वर संबंध, इसका मतलब देखिए थियोलॉजी थियो और लोगोस से मिलकर बना है, जहाँ थियो का अर्थ होता है ईश्वर और गॉड, और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान, मतलब ईश्वर से संबंधित ज्ञान, ईश्वर का विज्ञान, समझ में आ गई बात। इस प्रकार थियोलॉजी का अर्थ हुआ ईश्वर विद्या या फिर ईश्वर विज्ञान, ठीक है। तो मेटाफिजिक्स में मैंने आपको बताया कि आपको वास्तविकता की खोज करनी है, तो मेटाफिजिक्स के अंदर एक ब्रांच है जिसको हम थियोलॉजी कहते हैं, उसमें हम अध्ययन करेंगे ईश्वर से संबंधित, कि ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं है, ईश्वर ने किसको बनाया, ईश्वर को किसने, इस तरीके के चीज़ों को हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। अंतर्गत ईश्वर संबंधित चिंतन किया जाता है, जैसे ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, यदि है तो उसका क्या प्रमाण है, उसका स्वरूप क्या है, यदि नहीं तो क्यों नहीं, ईश्वर व जगत में क्या और कैसे संबंध है, इत्यादि। तो ये थियोलॉजी है जिसको मेटाफिजिक्स के अंतर्गत हम डिस्कस करते हैं, एग्जाम में पूछे आप ऐसा ही लिखते चलिएगा। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था आत्मा संबंधित, तो आत्मा संबंधित में मनुष्य की आत्मा को डिस्कस करेंगे, आत्मा कैसे बना, आत्मा है कि नहीं है, कब आत्मा आता है, कब आत्मा जाता है, आत्मा की प्रकृति का क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा के लिए अच्छी चीज़ें क्या है, आत्मा के लिए बुरी चीज़ें क्या है, तो आत्मा संबंधित अध्ययन आप करेंगे, ठीक है।
इसमें मुख्य रूप से आत्मा संबंधित चिंतन किया जाता है, जिससे आत्मा का अस्तित्व, उसका स्वरूप, आत्मा व शरीर का संबंध। इन दिस मेनली थॉट्स रिलेटेड टू द सोल आर स्टडीज, लाइक द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, इट्स नेचर, रिलेशनशिप बिटवीन सोल एंड बॉडी एक्सेट्रा। समझ में आ गया। चलिए थर्ड और फोर्थ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जिसको हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी का मतलब दोस्तों, कॉस्मो को यूनिवर्स की उत्पत्ति का स्वरूप। इसमें हम देखते हैं कि यूनिवर्स का मतलब ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, इस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे आइडियलिज्म मानता है कि ईश्वर ने बनाया, और नेचुरलिज्म दैनिक प्रकृतिवाद कहता है कि ये प्रकृति है, ये स्वतः है, इसमें कोई ईश्वर का हाथ नहीं है। रियलिज्म क्या कहता है कि ये कुछ कणों से मिलकर बना है। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म कहता है कि कुछ क्रियाशील तत्वों से मिलकर बना है। तो सबकी अपनी अपनी क्या है भाई, फिलॉसफी है। तो इसमें हम कॉस्मोलॉजी हम क्या करते हैं भाई, डिस्कस करते हैं मेडाइज में कॉस्मोलॉजी के कैसे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। बस हम इसी चीज़ का अध्ययन करेंगे। हम लोग मोस्टली आइडियलिज्म को फॉलो करते हैं, मतलब इंडिया में जो हम लोग, हम चूंकि ईश्वर पे आस्था रखते हैं तो हम मानते हैं कि संसार को ईश्वर ने बनाया। ठीक है, तो ये कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ही इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे मेटाफिक्स में मैंने बताया कि आपको सत्यता की जांच करना है, रियल का जांच करना है, और उस रियल में ये जो पार्ट है ये हमें सृष्टि के बारे में ज्ञान कराता है। टॉपिक रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इट्स नेचर, इट्स डेवलपमेंट एक्सेट्रा आर डिस्कस्ड इन कॉस्मोलॉजी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दोस्तों क्या है भाई, ऑन्टोनोलॉजी। ऑन्टोनोलॉजी का मतलब क्या भाई, ये फंडामेंटल है। मतलब आप जो मेटाफिजिक्स के ब्रांचेस पढ़ रहे हैं तो मेटाफिजिक्स का टोटली यही रिप्रेजेंट करता है, मेटाफिजिक्स को टोटली यही रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द फंडामेंटल ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का ये क्या भाई, फंडामेंटल है, ये मूल संरचना ही है, ये मूल शाखा यही है। इट इज स्टडी द अल्टीमेट रियालिटी, सेम चीज अल्टीमेट रियालिटी। टेल्स अबाउट द स्टडी ऑफ बींग एग्जिस्टेंस, इंक्लूडिंग द डेफिनेशंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटिटीज, फिजिकल और मेंटल, द नेचर ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड द नेचर ऑफ चेंजेस। इट इज़ द स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्चुलाइजेशन, इट स्टडीज द इंटरनल एंड टेम्परल, द लिमिटेड एंड अनलिमिटेड एलिमेंट। अभी यहाँ पे समझ में आ जाएगी, इंग्लिश में कुछ मुझे भी ज़्यादा बहुत समझ में आते हैं। यहाँ देखिए, यह तत्वमीमांसा मौलिक शाखा है मेटाफिजिक्स की, और मेटाफिजिक्स का मतलब सत्यता की जांच करना, तो एंटोलॉजी का भी मतलब अल्टीमेट सत्यता की जांच करना, यानी कि परम वास्तविकता का अध्ययन करना। वास्तविकता अस्तित्व और अस्तित्व के अध्ययन के बारे में बताती है कि किसी चीज़ का अस्तित्व क्यों है, उसका अध्ययन कैसे करना, इन चीज़ों के बारे में बताती है। जैसे भौतिक या मानसिक संस्थाओं की परिभाषा और वर्गीकरण, भौतिक या मानसिक मतलब कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करता है तो क्यों करता है, कैसे करता है, उसकी क्या परंपरा है, इन सारी चीज़ों को, उनके गुणों को, प्राकृतिक और परिवर्तन की प्रकृति शामिल है, इन सारी चीज़ों की वास्तविकता बताता है कौन सा भाई, ऑन्टोनोलॉजी। ऑन्टोनोलॉजी फंडामेंटल है मेटाफिजिक्स का, और जैसे मेटाफिजिक्स सत्यता की जाँच करता है, ऑन्टोलॉजी भी परम सत्य की जाँच करता है। यह एक संकल्पना का विशिष्टता है, स्पेशलाइजेशन है। यह संसार के शाश्वत और लौकिक, सीमित और असीमित तत्वों और उनके अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। शाश्वत और लौकिक, शाश्वत और लौकिक मतलब जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, अलौकिक यू नो, लौकिक और परालौकिक मतलब जो दुनिया में है और दुनिया से परे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में यह अध्ययन कराता है, जो सीमित है और असीमित है सारी चीज़ों का अध्ययन कराता है। कौन सा भाई, ऑन्टोनोलॉजी। अब यहाँ पे आपका मेटाफिजिक्स समाप्त होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, यहाँ पे मैं आपको लेके आऊँगा। तो भाई मेटाफिजिक्स के बारे में आपने क्या देखा, मेटाफिजिक्स का मेन काम यही है कि आपको सत्यता की जांच करना, वास्तविकता की जांच, अल्टीमेट रियलिटी, परम सत्य की जांच करना। ठीक है, मेटाफिजिक्स को आपने देखा कि ये दो शब्दों से बना है, पहला मेटा, दूसरा फिजिक्स। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड यानी कि परे, और फिजिक्स का मतलब होता है प्रकृति, यानी प्रकृतिक से परे, बियॉन्ड द नेचर, उसके बाहर जाके आपको सत्यता की जांच करनी। इसमें आपने फर्दर देखा चार शाखाएं कह लीजिए या चार विषय कह लीजिए जिसकी हम स्टडी कहते हैं, जिसमें पहला क्या था भाई, पहला था हमारा ईश्वर संबंधित, ठीक है, ईश्वर संबंधित, ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू गॉड। दूसरा थियोलॉजी, सॉरी पहला थियोलॉजी था जिसमें ईश्वर संबंधित हो। दूसरा क्या था, स्टडी ऑफ सोल मतलब आत्मा का अध्ययन। तीसरा क्या था भाई, कॉस्मोलॉजी, जिसमें हमने यूनिवर्स का अध्ययन किया। चौथा ऑन्टोनोलॉजी, सत्ता शास्त्र मतलब वास्तविकता सत्यता की जांच करना। तो ये आपने चार यहाँ पे देख लिया। चलिए अब हम आ जाते हैं कहाँ पे भाई, अब हम आ जाते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों एपिस्टीमोलॉजी। एपिस्टीमोलॉजी जिसको हम हिंदी में कहते हैं ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा मतलब तत्व मीमांसा में आपने देखा कि वास्तविकता की जांच करना, ज्ञान मीमांसा में आप देखेंगे ज्ञान की जांच करेंगे। ठीक है, कि ज्ञान असल में है क्या, ज्ञान का उद्देश्य क्या है, ज्ञान की ज़रूरत क्या है, एपिस्टीमोलॉजी। आइए ज़रा चलते हैं सीधे कहाँ पे, एपिस्टीमोलॉजी पे।
तो एपिस्टिमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा में देखिए, द वर्ड एपिस्टिमोलॉजी हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपिस्टिम विच मीन्स नॉलेज. एपिस्टिमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच कंसर्न विद द थियरी ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान के सिद्धांतों को देख रेख करती है, ज्ञान के सिद्धांतों का अध्ययन करती है. एपिस्टिमोलॉजी स्टडीज द नेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन करती है. द रेशनली बिलीव एंड द जस्टिफिकेशन द टर्म फर्स्ट. हाँ, ये जो एपिस्टिमोलॉजी है वो पहले स्कॉटिश फिलोसोफर जेम्स फेडरिक फ्रेयर ने 1984 में इसे देखा था, और ये ऑन्टेनोलॉजी के मॉडल पे बेस करता है. हिंदी में और बेहतर समझ में यहाँ पे आएगा. ज्ञान मीमांसा क्या भाई? एपिस्टिमोलॉजी ग्रीक के एपिस्टम से सब बना है, जिसका मतलब होता है ज्ञान. ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की शाखा है, जिसमें हम ज्ञान के सिद्धांत संबंधी अध्ययन करते हैं. अब यहाँ पे ज्ञान मीमांसा की प्रकृति विश्वास की तर्कसंगता और औचित्य का अध्ययन करती है. यह शब्द पहली बार स्कॉटिश दार्शनिक जेम्स फेडरिक द्वारा ऑन्टोलॉजी के मॉडल पर रखा गया था, मतलब इसके वितरित की. अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा एपिस्टिमोलॉजी का मतलब दोस्तों ज्ञान की खोज, ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन, ज्ञान की वास्तविकता का अध्ययन, ज्ञान के बारे में जानना एपिस्टिमोलॉजी कहलाता है. समथिंग आपको जो नॉलेज है. यहाँ पे देखिए एपिस्टिमोलॉजी में निम्न सवाल पूछे जाते हैं, निम्न सवाल को देखा जाता है, जैसे ज्ञान क्या है, ज्ञान हाउ इट इज़ एक्वायर्ड, कैसे इसको अर्जित किया जाता है, कैन नॉलेज, ज्ञान लेना पॉसिबल है, कैन नॉलेज बी सर्टेन, लोग क्या जानते हैं, व्हाट आर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस ऑफ नॉलेज, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर द लिमिट्स, व्हाट मेक्स बिलीव्स जस्टिफाइड, हाउ आर वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिफिकेशन, इज जस्टिफिकेशन इंटरनल और एक्सटर्नल टू वंस ऑन इन माइंड. एपिस्टिमोलॉजी में इन सारे प्रश्नों को पूछा या जाना जाता है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान को अर्जित कैसे किया जाता है, क्या ज्ञान संभव है, क्या ज्ञान निश्चित है, लोग क्या जानते हैं, ज्ञान की आवश्यकता एवं पर्याप्त शर्तें क्या है, इसकी संरचना और इसकी सीमाएं क्या है, क्या बात विश्वासों को उचित ठहराती है, हमें औचित्य की अवधारणा को कैसे समझना चाहिए, औचित्य किसी के अपने मन या आंतरिक के बाहर. अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझेंगे, जब हम एपिस्टिमोलॉजी की बात करेंगे, जैसे आइडियलिज्म में आप समझेंगे तो भाई आदर्शवाद किस ज्ञान को सत्य मानता है, दुनिया जैसे आप आदर्शवाद मानते हैं ना, ईश्वर को प्राप्त करने का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान, सांसारिक सुख ज्ञान नहीं है. ये आदर्शवाद की एपिस्टिमोलॉजी, आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा है. तो कहने का मतलब है इस ब्रांच में आपको ज्ञान संबंधित अध्ययन करना है, ठीक है, कि कौन सा ज्ञान आपके लिए सत्य है, किस ज्ञान को आपको जानना है, कौन सा ज्ञान ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है. तो ये आपको एपिस्टिमोलॉजी में आपको जानना है ज्ञान संबंधित चीज़ों को, ठीक है, कौन सा ज्ञान सत्य है, और इसी तरीके से आपको लिखना है. दोस्तों देखिए फिलॉसफी के जो वर्ड है ना वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बहुत टफ होते हैं. फिलॉसफी मुझे लगता है हिंदी में ज़्यादा बेहतर होता है, इंग्लिश के वर्ड थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं. आई एग्री विद दिस. चलिए कोई बात नहीं, हमें तो पढ़ना ही है, हमें तो समझना ही है. अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों एक्सियोलॉजी. एक्सियोलॉजी के यहाँ पे मूल्य मीमांसा की बात की जाती है, यहाँ पे मूल्य निर्धारित करना है, जैसे हमारा जीवन का क्या मूल्य है, ठीक है, हम जीवन में हमारा क्या मूल्य है, हमारा इंपॉर्टेंस क्या है, हमारा महत्व क्या, हमारी वैल्यू क्या है, इस चीज़ को जानना दोस्तों. एक्सियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वैल्यूज, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ इट्स नेचर, क्राइटेरिया एंड द मेटाफिजिकल स्टेटस. एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ इज अप विथ लिविंग, विदाउट डिस्कसिंग दीज फंडामेंटल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग वैल्यूज वी कैनॉट सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स कंसर्निंग वैल्यूज इन आवर एवरी डे लाइफ. अब यहाँ पे देखिए एक्सियोलॉजी मूल्य का अध्ययन है, उसकी प्रकृति, मानदंड और आध्यात्मिक स्थिति की जांच है. हमारे जीवन में प्रत्येक क्षण मूल्य निर्धारण से जुड़ा. देखिए हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्य निर्धारण से जुड़ा, जैसे हमारे बात में मूल्य कहते हैं समय की क्या कीमत है, किसी वस्तु की क्या कीमत है, सांसों की क्या कीमत है, दवाई की क्या कीमत है. मूल्यों संबंधित इन मूलभूत समस्याओं पर चर्चा किए बिना हम अपने रोजमर्रा के जीवन में मूल्यों संबंधित कई समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, बिना इस पर चर्चा किए हम नहीं कर सकते. तो इस ब्रांच के अंतर्गत दोस्तों हम क्या करते हैं, मूल्य का निर्धारण करते हैं कि किसी चीज़ की क्या मूल्य है, किसी चीज़ की क्या वैल्यू है, किसी चीज़ जैसे हर एक वाद, हर एक फिलॉसफी, हर एक दर्शन के अपने अपने मूल्य निर्धारित किए जाते हैं. तो हम समझेंगे कि क्या मूल्य है. इस ब्रांच को आपको जानना है कि फिलॉसफी के अंदर ये जो ब्रांच है इसके अंतर्गत हम मूल्यों का निर्धारण करते हैं, मूल्यों का अध्ययन करते हैं. वो कैसे करेंगे, जैसे देखिए व्हाट इज़ गुड, सही क्या है, क्या इंसान प्रेफर करता है, क्या इंसान को चाहिए,
क्या आपका मौलिक वो फंडामेंटल्स, क्या मौलिक आपके मूल्य हैं, व्हाट इज़ द रियली डिज़ायरेबल, क्या आपके लिए चाहिए, क्या आपके लिए डिज़ायरेबल है, कि किस चीज़ की आप इच्छा रखते हैं। तो एक्सियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ वैल्यूज प्रोसेस दिस क्वेश्चन, इन तरीकों को वो क्या करता है, शामिल करता है, और इन चीज़ों से क्या करता है, वो डील करता है। अब अगला आता है दोस्तों हमारे पास एस्थेटिक्स। एस्थेटिक ये भी एक क्या है, ब्रांच है, हमने यहाँ पे देखा था, आइए देख लेते हैं एक बार फिर से। एस्थेटिक की बात हम जहाँ पे करें तो हमारा व्हाट इज़ ब्यूटी, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कला को देखना है, हमें आर्ट को देखना है, हमें खूबसूरती को देखना है, हमें सौंदर्य, इसीलिए इसको सौंदर्य कहते हैं, सौंदर्य शास्त्र कहते हैं या फिर सौंदर्य मीमांसा भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम यहाँ पे ब्यूटी को देखेंगे, चलिए सौंदर्यता की यहाँ पे बात की जाएगी। तो हाँ, ये रहा हमारा एस्थेटिक, एस्थेटिक की यहाँ पे बात की जाएगी। चलिए, एस्थेटिक इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द नेचर एंड एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट, कंसर्न विद द नेचर एंड एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी एंड गुड टेस्ट, इन सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करने। जैसे मान लीजिए हमारा जीवन जो है वो कितना खूबसूरत है ना, कितना सुंदर है, इस चीज़ के बारे में आपको वर्णन करना है, इस चीज़ के बारे में जानना है, मतलब ईश्वर ने कितना सुंदर हमें जीवन दिया, कितना सुंदर संसार दिया, तो हमें इस खूबसूरती की, इस आर्ट की, इस चीज़ों की तारीफ करनी, इस चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो बीन डिफाइंड एज द क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन आर्ट कल्चर एंड नेचर, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, कभी कभी आप इसके विपरीत भी जा सकते, ठीक है, कि अरे यार क्या जिंदगी है, मतलब क्यों जिंदगी है, क्यों नहीं जिंदगी है, इसके विपरीत भी जाके कि आप कला कल्चर और प्रकृति के क्रिटिकल भी आप इसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अलॉन्ग विथ एथिक्स, एस्थेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ एक्सियोलॉजी, द स्टडी, ये भी क्या है भाई, एक्सियोलॉजी का एक पार्ट है, इसी का भी एक्सियोलॉजी का एक पार्ट है, हिंदी में बेहतर समझ में आ जाता है। चलिए, सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र की वो शाखा है जो कला सौंदर्य और अक्षय स्वाद की प्रकृति और सराहना से संबंधित है, इसे कला संस्कृति और प्रकृति के आलोचनात्मक प्रतिबिंब के रूप में भी परिभाषित किया गया है, नैतिकता के साथ साथ सौंदर्य एक्सियोलॉजी का हिस्सा है, ये जो एस्थेटिक्स है ना सौंदर्य, ये क्या है भाई, एक्सियोलॉजी का भी एक मतलब मूल्य मीमांसा का ही क्या है भाई, एक भाग है, एक हिस्सा है। चलिए, व्यवहार में हम सौंदर्यात्मक निर्णय और कलात्मक निर्णय के बीच में अंतर करते रहते हैं, सौंदर्यात्मक और कलात्मक निर्णयों के बीच में हम अंतर करते रहते हैं, इस प्रकार कला के दर्शन की तुलना में सौंदर्य का दायरा अधिक व्यापक है, कला की दर्शन के तुलना में सौंदर्य का, यू नो आर्ट मतलब ऑब्वियसली ब्यूटी इज ऑलवेज बियॉन्ड द आर्ट, यह सौंदर्य दर्शन से भी व्यापक है, इसमें उन सभी प्रतिक्रियाओं पर लागू होता है जिनकी हम कला या मनोरंजन के कार्यों में अपेक्षा करते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। कहने का यहाँ पे ये मतलब है दोस्तों, ये तात्पर्य है दोस्तों कि हम इसके अंदर किस चीज़ों की हम अध्ययन करते हैं, एस्थेटिक के अंदर हम सौंदर्यता, खूबसूरती, कला, नेचर, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आदर्शवाद, ये जो भी वाद है ना, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, इन सब के अंदर आप जब पढ़ेंगे इन सब के अंदर इन सारे पॉइंट को देखने को मिलेगा। आपको जो थर्ड यूनिट है वो इसी से रिलेटेड है, थर्ड यूनिट कि आदर्शवाद का मेटाफिजिक्स क्या है, आदर्शवाद का एपिस्टेमोलॉजी क्या है, आदर्शवाद का एस्थेटिक क्या है, इसके अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे पढ़ने की, इस यूनिट में बस आपको ये जानना है कि ये होता क्या है, इसके अंतर्गत अध्ययन किसका करते हैं, ठीक है, इसमें हमें बस जानना है कि ये वास्तव में होता क्या है। चलिए देखिए, इट सीक्स टू प्रोवाइड, ये निम्न प्रश्नों को देखते हैं, व्हाट इज़ आर्ट, कला क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पेंटिंग और स्कल्पचर, हाउ टू एक्सेस अ वर्क ऑफ आर्ट एंड व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ आर्ट, कला क्या है भाई, और कला कला क्या है, कला पेंटिंग या स्पेक्चुअल मूर्तियाँ क्या हैं, इस कला को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और इसका उद्देश्य क्या है। कहने का मतलब कला और सौंदर्य का अध्ययन हम इस ब्रांच की फिलॉसफी में करते हैं। बहुत अच्छा, अब यहाँ पे आपका दो और ब्रांचेस रह चुके हैं, दो ब्रांचेस में पहला है दोस्तों एथिक्स। एथिक्स की बात करें ना, आपने अगर देखा होगा एथिक्स का मतलब नैतिकता होता है, नैतिकता, नैतिक। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये देखना पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। द वर्ड एथिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथोस विच मीन्स वे ऑफ लिविंग, ठीक है, जिसका मतलब होता है जीवन जीने का तरीका। एथिक्स एग्जामिन्स द रेशनल जस्टिफिकेशन फॉर आवर मॉरल जजमेंट, इट स्टडीज व्हाट इज मॉरली राइट और रॉन्ग, क्या भाई मॉरली क्या सही है और क्या गलत है, जस्ट और अनजस्ट, टुगेदर दे कंबाइन टू डिफाइन हाउ इंडिविजुअल चूज टू इंटरेक्ट विद वन अनदर, हम कैसे एक दूसरे से बात करना सीखते हैं या चूज करते हैं या पसंद करते हैं। इन फिलोसफी एथिक्स डिफाइन व्हाट इज गुड फॉर इंडिविजुअल एंड फॉर सोसाइटी एंड एस्टेब्लिश द नेचर
ऑफ ड्यूटीज ऑफ अ पीपल ओ टू देमसेल्फ एंड टू वन अनदर। अब यहाँ पे ये कहता है दोस्तों, एथिक्स यहाँ पे ये पढ़ाई करता है, ये अध्ययन करता है, ये हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, न केवल एक के लिए जबकि पूरे संसार के लिए, तो ना ओनली इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, सबके लिए दोस्तों, सोशल्स के लिए भी। यहाँ पे देखेंगे आप, एथिक्स डिफाइन व्हाट इज़ गुड फॉर इंडिविजुअल एंड फॉर सोसाइटी, और उसको इस्टेब्लिश करता है, ठीक है, ड्यूटीज़ द पीपल, लोगों के लिए कर्तव्य बनाता है, उसको फॉलो कराता है सभी के लिए। इट एम्स अ इंडिविजुअल गोल एज वेल एज सोशल गुड, द गुड ऑफ मैनकाइंड एज होल। इंडिविजुअल के लिए भी सही काम करता है, समाज के लिए भी सही करता है, पूरे मैनकाइंड के लिए एक सही कार्य करता है। एथिक्स यहाँ पे आपको और बेहतर समझ में आएगा। नैतिकता भाई एथोस से बना है, जिसका मतलब होता है जीवन जीने का तरीका, द वे ऑफ लाइफ। अब भाई नैतिकता हमारे नैतिक निर्णयों के तर्कसंगत औचित्य की जांच करता है, यह अध्ययन करता है कि नैतिक रूप से क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है और क्या अन्यायपूर्ण है। साथ में वह यह परिभाषित करने के लिए संयोजित होते हैं कि व्यक्ति एक दूसरे के साथ बातचीत करने का कौन सा तरीका चुनते हैं, कैसे पसंद करते हैं। दर्शन शास्त्र की इस शाखा में नैतिकता यह बताता है, यह सिखाता है, यह परिभाषित करता है कि व्यक्ति और समाज के लिए क्या अच्छा है, उन कर्तव्यों को प्रकृति के साथ स्थापित करता है जो लोगों को स्वयं और एक दूसरे के प्रति देने होते हैं। इसका लक्ष्य व्यक्तिगत भलाई के साथ साथ सामाजिक भलाई, संपूर्ण मानव जाति की भलाई के काम होता है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ एथिक्स आपके निर्धारित होते हैं, जैसे हर एक वाद ने अपना एथिक्स, जैसे हर एक धर्म ने अपनी एथिक्स निर्धारित करी, जैसे झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, चोरी नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, और किसी की नाहक हत्या नहीं करनी है, अहिंसा का पालन नहीं, अहिंसा का पालन करना, हिंसा का पालन नहीं। तो ये क्या है भाई, इस अब इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि कौन सी विचारधारा, कौन सा दर्शन, कौन सा वाद अपने क्या क्या एथिक्स शामिल करता है, क्या क्या नैतिक शास्त्र या नैतिकवाद यहाँ पर शामिल करता है, सही है। चलिए लास्ट आपका आता है दोस्तों लॉजिक। लॉजिक मतलब आपने सब सोचा लॉजिक, इसके पीछे लॉजिक क्या है, तर्क क्या है, विज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है। अकॉर्डिंग टू क्या लिखे क्रैंगटन, लॉजिक इज द साइंस विच डील्स विद द ऑपरेशन ऑफ अ ह्यूमन माइंड इन इट्स सर्च फॉर ट्रूथ। मतलब सत्यता की जांच करने के लिए, यहाँ पे लिखा होगा कि सत्य, यहाँ पे हिंदी में लिखा है, सॉरी, लॉजिक इज द साइंस, भाई लॉजिक क्या है, एक विज्ञान है, विच डील्स विद द ऑपरेशन ऑफ ह्यूमन माइंड, जो मनुष्य के मन मस्तिष्क के साथ कार्य करता है। क्यों कार्य करता है भाई, इन द सर्च ऑफ ट्रूथ, भाई सच को प्राप्त करने के लिए, सच को खोजने के लिए एक विज्ञान है जो मनुष्य के दिमाग से कार्य करता है, मनुष्य के दिमाग पर, मनुष्य के मस्तिष्क पर, मनुष्य के माइंड पर काम करने वाला वह विज्ञान है जो सच का खोज करता है, जो सच का अध्ययन करता है। हाँ देखिए, लॉजिक ग्रीक शब्द लोगों से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विचार, इसलिए उत्पत्ति के अनुसार तर्क विचार का विज्ञान या वह विज्ञान है जो सोचने की प्रक्रिया की जांच करता है। तो लॉजिक क्या है भाई, वो साइंस है, वो विज्ञान है जो सोचने की प्रक्रिया की जांच करता है। सोचना एक मानसिक कार्य है जिसके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तर्क एक विज्ञान है क्योंकि यह सभी तर्क प्रक्रियाओं को व्यवस्थित अध्ययन करता है। तर्क के लॉजिक क्या है भाई, एक साइंस है, इसलिए सत्य की खोज में मानव मस्तिष्क की गतिविधियों का व्यवस्थित अध्ययन है। सत्य की खोज में मानव मस्तिष्क की गतिविधियों का व्यवस्थित अध्ययन है लॉजिक। लॉजिक अब इसमें जैसे क्या है, हर एक जात या धर्म की बात, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, मतलब ईश्वर को मानने के पीछे लॉजिक क्या है, ईश्वर को न मानने के पीछे लॉजिक क्या है, आत्मा को मानने के पीछे लॉजिक है, आत्मा को न मानने के पीछे लॉजिक है, संसार की रचना के बारे में मानने के पीछे लॉजिक क्या है। तो हमने यहाँ पे कहने का मतलब, हम इसमें लॉजिक का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में सेम चीज़ों को यहाँ पे लिखी गई होंगी कि हम जहाँ पे द लॉजिक ग्रीक वर्ड लोगोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है साइंस ऑफ थॉट, यानी कि सोच के विज्ञान, और वास्तव में ये करता क्या है, इट इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑपरेशंस ऑफ ह्यूमन माइंड इन इट्स सर्च फॉर ट्रूथ। क्या भाई, एक यहाँ पे सिस्टमेटिक अध्ययन करता है सत्य की खोज में। चलिए मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ, फिर इस वीडियो को समाप्त करूँगा। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल सब्जेक्ट था, फिलॉसफी है ही सब्जेक्ट ऐसा जिसको थोड़ा सा ना सोच बियॉन्ड नेचर आपको सोचना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 6 जो ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी है उसको देखा, जिसमें मेटाफिजिक्स में आपने देखा सत्य की खोज करना, वास्तविकता की जांच करना, जिसके अंतर्गत आपने 4 फर्दर ब्रांचेस या 4 फर्दर स्टडीज देखी, जिसमें पहला था थियोलॉजी या फिर ईश्वर शास्त्र, जहाँ पर ईश्वर का अध्ययन किया गया, दूसरा दोस्तों आत्मा सोल, तीसरा था दोस्तों कॉस्मोलॉजी, जिसमें यूनिवर्स के बारे में जाना गया,
चौथा था दोस्तों ऑन्टोलॉजी, जिसमें आपने वास्तविक सत्यता को जाना, सत्ता सत्ता शास्त्र जिसको कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा था एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या था? एपिस्ट का मतलब होता है नॉलेज। तो आपने नॉलेज की प्रकृति, नॉलेज क्या है, नॉलेज कैसे है, रियल नॉलेज क्या है, नॉलेज को कैसे प्राप्त, इसके बारे में तो आपने ज्ञान को जाना। तीसरा हमारा था दोस्तों एक्सियोलॉजी। व्हाट इज़ वैल्यू, मूल्य क्या है, मूल्य क्या है, वैल्यू क्या है, मूल्य मीमांसा जिसे कहते हैं, जीवन जीने का महत्व क्या है, हम जीव मनुष्य का क्या वैल्यू है, इस चीज़ का आप अध्ययन करते हैं, ठीक है। चौथा तो दोस्तों एस्थेटिक्स, मतलब ब्यूटी आर्ट, इसके बारे में आप जहाँ पे अध्ययन करते हैं। पांचवा था दोस्तों हमारा एथिक्स। एथिक्स का मतलब जहाँ पे आप देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ना केवल केवल इंडिविजुअल के लिए, पूरी यूनिवर्स के लिए। तो यहाँ पे आपने मोरालिटी की बात करी, क्या सही है क्या गलत है इसकी बात करी। और छठा था दोस्तों लॉजिक। लॉजिक का मतलब क्या था भाई? साइंस ऑफ थॉट कह लीजिए, विचारों का विज्ञान, आपकी सोच का ज्ञान, जो कि मनुष्य के ऑपरेशनल माइंड को का अध्ययन है, जो कि इन द सर्च ऑफ ट्रूथ, जो कि सत्य की खोज में मनुष्य के माइंड का अध्ययन है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका क्या पे है, यहाँ पे थॉट विचार आपके माइंड की बात की जाएगी। तो ये है कंप्लीट आपका द ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा सा ये ऐसी चीज़ है भाई, ऐसी चीज़ है जिसको हर एक कोई अपनी तरह से एक्सप्लेन करता है। तो मेरी जो नॉलेज, मेरी जो समझ थी, मैं उस तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। हेल्प मिलेगा आपको समझने में, और इसको बस समझा जा सकता है, कसम से बता रहा हूँ, इसको बस समझा जा सकता है। इसको याद बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ना आप याद कर सकते, ना मैं याद कर सकता, ना कोई भी परफेक्ट टीचर इसको याद नहीं कर सकता। समझिए, इसके बारे में नॉलेज लीजिए, इसको समझने की कोशिश करिए, और फिर अपने एक बार नोट्स बनाने की कोशिश करिए। खुद का वर्ड लिखिएगा, प्लीज़ खुद के वर्ड्स लिखिएगा, नोट्स बनाइए, फिर उसको रिविज़न करके एग्ज़ाम्स में लिखिएगा। एक सवाल आपको कन्फर्म यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, तो इसलिए मैं जो अगला आपका जो हमारा टॉपिक था, फंक्शन ऑफ फिलॉसफी, जिसमें नॉर्मेटिव, स्पेक्युलेटिव और एनालिटिक, तो इन तीन फंक्शंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम नहीं देख पाएंगे, ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। चलिए ठीक है, सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आशा करता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाया हूँ, और इस वीडियो को एक्सप्लेन करने से मेरे अंदर भी थोड़ी सी रिविज़न हुई है, मुझे भी पढ़ने में अच्छा लगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। इस पूरे जो भी पीडीएफ है ना, इसको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में हम इन तीन टॉपिक को देख के इस यूनिट को समाप्त करेंगे। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।